नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिल्की टेस्टी ट्रीट में। तो आज हमने बनाया है गार्लिक ब्रेड, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, जो देखने में बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट है। आप घर पे बनाइए और अगर अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल जैसा। चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले हमने ईस्ट लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए भिगोना पड़ता है, ठीक है। ईस्ट के साथ हमने लिया है शुगर 10-15 ग्राम, 10 ग्राम हमने ईस्ट लिया था, 15 ग्राम हमने शुगर लिया है। इसमें हमने 150 ग्राम पानी मिक्स किया है। इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए अलग फूलने के लिए रख देंगे। जब से फूल जाएगी तब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम अभी साइड पर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, ये फूल गई है जी, इसके ऊपर झाग आ गई है, इससे पता चलता है कि ये अच्छे से फूल गई है, अभी इस्तेमाल करने लायक हो गई है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, 2 टीस्पून हमने ऑयल लिया है इसमें, थोड़ा सा गार्लिक और स्पाइस, पिज़्ज़ा मसाला, ओरिगेनो, ये सब डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा आटा लगने के लिए तैयार हो गया। हमने लिया है मैदा 200 ग्राम, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। ये डाल के जो हमारा अभी पानी हमने तैयार किया है उससे हम इसका आटा गूंद लेंगे अच्छे से। ये आटा हमारा नरम होना चाहिए, रोटी के आटे जैसे जैसे वो आटा नरम रहता है, ऐसे ही ये आटा हमारा नरम होना चाहिए। हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। ऑयल लगाएंगे हम अपने, देखिए इसके ऊपर अच्छे से इसको कवर करके क्लिंग रैप से हमने इसको कवर कर लिया। अब इसको साइड पे रख देंगे, ये आधा घंटा के लिए फूलने के लिए इसको रख देंगे, ठीक है। आधे घंटे बाद ये फूल के हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितना फूल गया, हमने कितना सा रखा था और कितना ज़्यादा हो गया है। अब इसको हम एक बार प्रेस करेंगे, देखिए कितना अच्छा और कितना फूला फूला, ये सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट डो तैयार हुआ है हमारा। इसी से हमारा आटा होगा। हमने अब उसको सॉफ्ट डो को, हम इसको मिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, बटर। हमने, मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सामग्री लिख दी है, आप उसमें से इसको देख सकते हैं। बटर, गार्लिक, कोरिएंडर, ये सब डाल के हम मिक्स कर लेंगे फिलिंग के लिए। इसको हमने मक्की के आटे से, कॉर्न से हमने इसको डस्ट कर लिया है और इसको अब बेलन की सहायता से बेल लेंगे। देखिए आसान से स्टेप्स हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है हमें। वही जो हमने मिक्सर तैयार किया है उसी से हम इसको सारा तैयार कर लेंगे, पूरे के ऊपर फैला लेंगे इसको। और अब इसके ऊपर डालेंगे चीज़, चीज़ का अपना ही टेस्ट आता है, आप इसमें घर वाला चीज़ भी डाल सकते हैं। ये मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है मैंने। अब इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप यूज़ करिए, अगर नहीं है तो नहीं यूज़ करिए, पर इससे अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसको डाल के इसी के ऊपर हम आधा हिस्सा जो इसका था वो इसके ऊपर रख के इसको अच्छे से जोड़ देंगे। इसके ऊपर पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी पानी से नहीं जोड़ते हैं। जो हमारा बचा हुआ बटर था हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अब इसको अच्छे से गार्निश करेंगे ओरिगैनो से, चिली फ्लेक्स से। देखिए हमने उसके ऊपर अभी डाला है चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, और पिज़्ज़ा मसाला, ये सब डाल के हमने इसको कर लिया। ये हमारी बेकिंग ट्रे है, बेकिंग ट्रे के ऊपर हमने बटर लगा लिया है ताकि अच्छे से नीचे से भी अच्छे से वो पक ब्रेड पक जाए हमारा, ठीक है। और इसमें उतरने में भी आसानी हो जाती है। अब इसको कट लगा लेंगे, इसको काटना नहीं है दोस्तों, सिर्फ हल्का हल्का कट लगाना है, ठीक है। हम इसको अभी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, यह मैं ओवन में बना रही हूँ, आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं दोस्तों, इतना ही टाइम कढ़ाई में लगेगा। इसको मैंने 15 मिनट के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर पे मैंने इसको बेक किया है। देखिए कितना अच्छा कलर बन के आ गया है इसका।
अब इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाएंगे जी। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको घर पे बना के ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इसको। ये मेरा दूसरा बन गया है दोस्तों। इसके 200 ग्राम आटे से 2 तैयार होते हैं। देखिए हमारे दोनों बन के आ गए हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।